की कविता है। क्यों कहा ये सत्याग्रह की कविता? कहीं उसमें उस समय माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे थे, सुभाष कुमार चौहान लिख रही थी, बहुत सारे लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा भी लिखा जा रहा था और बड़ा पॉपुलर था, बहुत आज तक लोग बच्चे गाते थे, हम अपने बचपन में बहुत गाते थे उसकी झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन वो क्यों नहीं उत्कृष्ट कविता माना गया? वो माना गया खाली स्थूल प्रयोजन जो है वो पूरा करता है, लेकिन स्वराज का आत्म तो राम की शक्ति पूजा में व्यक्त होता है, वो तलाश वहां पर है। तो ये कला की प्रक्रिया, एक स्थूल प्रयोजन को पूरा करने की प्रक्रिया, एक उसको सूक्ष्म और गहरे स्तरों पर ले जाने की प्रक्रिया। हम सामान्यतया जब तालियां बजाते हैं जिन कविताओं इत्यादि पर, वो स्थूल प्रयोजन को पूरा करने वाली कविताएं अधिकांशतः होती है, वो उनके क्योंकि गहराई में जाके आप ताली कैसे तत्काल बजा सकते हैं? आपको थोड़ा सा उसको अपने अंदर लेना होता है, थोड़ा सा उसको महसूस करना होता है, उसको फील करना होता है। रघुवीर शाह ने तो लिखा है कि सन्नाटा छा जाए जब मैं कविता सुना कर उठूं, वाह वाह करने वाले अपने घर जाएं और जैसी जो पंक्ति उनको याद रह जाए गुनगुनाए, लेकिन ताली उस समय नहीं बजाए, मतलब ये उसका खुला, क्योंकि आपने फील ही नहीं किया। तो कला कोई भी हो चाहे, वो मूलतः एक चीज को अपने अंतर महसूस करने की, किस तरह से कलाकार ने महसूस किया है, कैसे किस तरह से उसने सोचा है उसे, और किस तरह से, और सोचना कोई विचार के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, सोचना एक ज्यादा गहरे चित्त के स्तर पर की बात कर रहा हूं। तो उसको किस तरह उसने समझा और सोचा है, उसको आप किस तरह अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं। एक अंग्रेज क्रिटिक ने कहा है कि कविता के बारे में, शायद लॉरेंस बेरल ने मेरे ख्याल से, उसने कहा है कि पोएट्री डजंट स्टेट, ए पोएम डजंट स्टेट एनीथिंग, इट कन्वेज। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं या समझ की बात करते हैं, हमने समझ का एक ऐसा तय कर रखा है स्तर के किसी चीज का अर्थ समझ लेना समझ है, तब तो अध्यापकों से ज्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं। किसी चीज का अर्थ समझने की कोशिश से पहले उस चीज को महसूस करना उसका संप्रेषण है। इसको हम ये कहेंगे कि एक तरह का कला एक तरह का संवेदनात्मक अन्वेषण है, उसी तरह वो संवेदनात्मक संप्रेषण भी है। अगर वो संवेदनात्मक संप्रेषण नहीं और केवल एक अर्थ का संप्रेषण है तो विचार में बहुत रखा है। मुझे माफ कीजिए, मार्क्सवाद को समझने के लिए मुझे ब्रेख्त को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो मार्क्स खुद ही पर्याप्त समझा देंगे मुझे क्या है, वो ज्यादा बेहतर तरीका है समझने का उसको। लेकिन अगर मुझे अपने समय को महसूस करना है तो वो शायद और कोई प्रक्रिया नहीं, सारे ज्ञान विज्ञानों की में आप चले जाइए, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो मुझे अपने समय में अपने आत्म के बदलते हुए रूप को अन्वेषित करने में मेरी मदद कर सके और मैं उसको समझने में कामयाब हो सकूं और फिर उसको आपके सामने रख करके जितना आप समझ सकें समझ सकें। ये जो प्रक्रिया है ये केवल कलाओं के माध्यम से ही संभव है, नहीं तो कलाओं की कोई वैधता ही नहीं है। अगर मैं जाने हुए को बार बार कहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, वहां क्या अन्वेषण और क्या अभिव्यक्ति है? हमेशा एक तलाश में कला रहती है, कला एक अनवरत बेचैनी है सृजन की, और ये सृजन और किसी चीज का नहीं है, ये सृजन केवल अपने मानव आत्म का सृजन है और पूरी दुनिया की श्रेष्ठ कला यही करती रही है। लेकिन वो सृजन संवेदनात्मक सृजन है, वो कोई दार्शनिक किस्म का सृजन नहीं है, वो कोई विचार के रूप में, विचारधारा के रूप में कहा जाने वाला सृजन नहीं, वो तो कह दिया गया वहां पर ऑलरेडी। तो अगर वो जो कह दिया गया है उसी को आपको ग्रहण करके, मैं कई बार कहता हूँ बुरा लगता है कुछ मित्रों को, मैंने कहा भैया जो चीज सीधे सीधे नहीं समझा सकते उसको जब चाशनी में लपेट के देना चाहते हो, क्योंकि जब आप कला में उस चीज को रखोगे तो आप विचार का सवाल उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो कला है, और कला में आप एक विचारधारा एक खास तरह की दृष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं जो आप जानते हैं करें, ऐसा नहीं कला दृष्टि नहीं देती है, कला दृष्टि का भी अन्वेषण है, वो दृष्टि का भी विकास संभव करती है। लेकिन वो जो विकास संभव होता है वो बाहर से उधार लिया हुआ नहीं होता। जब हम समय में रहते हैं तो विचारधाराएं भी समय में है, उनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी अंतर्क्रिया करते हैं, बहुत से विचारों से दार्शनिक संप्रदायों से भी करते हैं और बहुत कुछ उसमें लेन देन चलता है।
लेकिन मूलतः वो कलाकार के अपने आत्म संवेदनात्मक सृजन पर निर्भर करते हैं। जब मैं अपना कह रहा हूं तो फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगी तो उसको गलत समझने की फिर संभावना होगी कि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो मनुष्य मात्र का आत्मा है, और मैं ये कहूंगा जीव मात्र का आत्मा है, सृष्टि मात्र का आत्मा है। उसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो प्रकृति के चित्र बनाने की क्या जरूरत है, प्रकृति के बारे में कविता लिखने की क्या जरूरत है अगर आपका कोई रिश्ता उससे नहीं है। तो उस रिश्ते की पहचान से आप अपनी पहचान संभव करते हैं। पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आप उसको कितना सुंदर मानते हैं, फर्क आपको पड़ता है कि आप उसको कितना सुंदर मानते हैं। तो उस रिश्ते से आप अपनी एक नई पहचान, एक नया सृजन, अपने अपनी चेतना का एक नए आयाम का सृजन उद्घाटन संभव करते हैं। ये कला की अपनी प्रक्रिया है और समय भी कला में इसीलिए व्यक्त होता है क्योंकि मनुष्य अपने को एक समय में पहचानता है। अगर काल नहीं है तो मनुष्य कहाँ है, तो वो एक काल विशेष में अपने को पहचान रहा होता है। जितने परिवर्तन कला के इतिहास में हमको दिखाई देते हैं वो कला के परिवर्तन नहीं है, वो पहले समय के परिवर्तन है, और उन समय के बदलते हुए परिवर्तनों के अंदर मनुष्य के आत्म में जो बदलाव होता है और उस मनुष्य के आत्म में हो रहे बदलाव में मनुष्य को बनाए रखने की कोशिश, उससे वो कला पैदा होती है और वही आपके मनुष्य के आत्म का सृजन होता है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि समकालीनता बहुत बात होती है, क्या कहा जाता है कुछ मुझे समझा नहीं पाया, देखिए हम अध्यापक के काम समझाने का ही करते हैं। मेरी एक ही डेफिनेशन है समकालीनता की, वो यह है कि अपने समय में मनुष्य बने रहने की कोशिश करना समकालीनता है। अपने समय में मनुष्य बने रहने की कोशिश करने की जद्दोजहद जो है वही समकालीनता है, और ये जो परिवर्तन होते हैं कलाओं के अंदर ये सारे उसी जद्दोजहद को बनाए रखने के लिए होते हैं, उसकी निरंतरता हमको दिखाती है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम अपने आत्म में जो जो कुछ टूट फूट हो रही होती है उसको ठीक करते, दुरुस्त करते और वापस उसको नया करते, जिसे टेक्निकल चेंजेस कहा जाता है सामान्यतः। और थोड़ी मुझे कई बार अजीब सा लगता है कि जो स्वयं कलाकार है वो उसको इस तरह, या हवाई बहुत से लेखक भी उस शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते जैसे वो कोई घटिया चीज, तो तकनीकी उससे क्या होता है। मित्रों, ग्रीक, ये टेक्नोलॉजी शब्द जो आया है दरअसल ग्रीक भाषा से आया हुआ है, टेक्नी शब्द है वहाँ जिसे टेक्नी टेक्नोलॉजी वगैरह शब्द बने हैं। इस टेक्नी शब्द का मूल अर्थ होता है मोड ऑफ नोइंग, ये मोड ऑफ डूइंग नहीं है, ये मोड ऑफ नोइंग है। और मोड ऑफ नोइंग जो है जब आप जान जाते हैं तो उस तरह से करते हैं तो टेक्नी हो जाती, जिस तरह आपने जाना है उसी तरह से उसको करेंगे तो वो एक तरह से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो नई नई तकनीकी आविष्कार होते हैं वे सब मनुष्य की चेतना के नए आयामों का उद्घाटन करने में संभव उनके माध्यम से होता है। एक ही तरीके से आप नए नए अपनी चेतना का आयाम उद्घाटन नहीं कर सकते और बदलते हुए समय में तो और भी नहीं कर सकते। जब आपको तो मालूम होगा, मैं शायद मुझे याद आ रहा है कि जब नाजी लोग पहुंचे पेरिस और पिकासो का गोयने का देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा पिकासो से, इज इट योर वर्क, ये तुमने बनाया? पिकासो ने कहा नहीं, ये तुमने बनाया। लेकिन वो तकनीक पिकासो के पास में नहीं होती तो वो नहीं बनता। तकनीक कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे बहुत से कवि मित्र आजकल कहते हैं क्या करती मैं जैसा चाहे लिख करके रख दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको लगातार इस बात का ध्यान, और हमारे नरेश सत्र तो लगातार इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि छंद नहीं तो कम से कम लय उसका एक अनिवार्य तत्व है, और उस लय भी केवल इसलिए नहीं कि आपको एक लय बना देनी है लोगों को करना है, वो लय जो आपकी अनुभूति की लय से एकमेक हो। अगर आपकी अनुभूति की लय से एकमेक लय नहीं बनती है कविता में तो अच्छी कविता नहीं होगी, वो अच्छी कला कहीं भी नहीं। तो इसलिए ये देखना जरूरी होता है हमारे लिए कि तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है, उसको इस तरह नहीं कृपया वो कम से कम वो लोग जो कला को काम करने वाले लोग हैं उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि और इसलिए किसी दी हुई तकनीक को अपना लेने से आप कलाकार नहीं हो जाते। आप बहुत से ऐसे सुनते हैं ना हमारे छंदों में जो कविताएं लिखी जाती हैं, वो छंद बना हुआ है, उसका एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है, उस निश्चित पैटर्न में आप लिखते चले जाइए, उससे कुछ भी नई अनुभूति संभव नहीं होगी। इसलिए
जो छंद को तोड़ा गया और अब आजकल काफी लोग उसका गलत अर्थ भी लगा लेते हैं, वो इसलिए तोड़ा गया कि जिससे कि नई अनुभूति संभव हो सके, नए समय में जो कुछ व्यंजित हो रहा है उसमें आप अपने को व्यंजित कर सके। नहीं तो मुझे आप बताइए कि अगर छापे खाने का आविष्कार नहीं होता, जो एक टेक्निक है, तो क्या आप कविता में उपन्यास में उस तरह के अंतर द्वंद्वों का चित्रण कर सकते थे जैसा कि हुआ है हमारे श्रेष्ठतम साहित्य में और हमारे दुनिया भर के श्रेष्ठतम साहित्य में? एक सीधी सपाट कहानी कहना जरूरी हो जाता अगर आप केवल वाचिक परंपरा में रहते, लेकिन जीवन इतना सीधा सपाट नहीं है और मनुष्य के मन की प्रक्रिया भी इतनी सीधी सपाट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत से चक्र चलते रहते हैं और उन चक्रों को अगर आपको समझना और कुछ कहना हो तो आपको उन नई तकनीकों का आविष्कार करना, सहारा लेना। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कला में और जीवन में भी, विज्ञान में भी, किसी भी नई तकनीक का आविष्कार मानव चेतना के नए आयाम का आविष्कार होता है। तो उसको आप छोटा मत बनाइए, उसको गहराई से समझिए और देखिए कि वो आपके काम की नहीं है तो आपको सपना करिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मूलतः उस सबका प्रयोजन है मानव आत्म का सृजन, अन्वेषणात्मक सृजन, और अगर वह आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कारीगर है, कलाकार नहीं। हाँ।